वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अडोब स्कैन पे पीडीएफ कैसे बनाते और उसको बाद में अपलोड के लिए फ़ोन में कैसे सेव करना है। अडोब स्कैन में पीडीएफ बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अडोब स्कैन में पीडीएफ बनाने के लिए पूरी जानकारी मिल सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अडोब स्कैन पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर से। अगर आपको इस ऐप का लिंक चाहिए तो वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम इस अडोब स्कैन को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट जो स्क्रीन शो होगी इसको डाउनलोड करने के बाद वो आपके पास ये वाली स्क्रीन होगी, इसमें वो साइन इन डिमांड करेगा किसी भी ऐप में से, चाहे आप गूगल आईडी से साइन इन कर सकते हो, जीमेल आईडी से, या आप फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हो, या फिर एप्पल आईडी से भी साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल साइन इन का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। गूगल साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे जो आईडी होगी आपकी प्ले स्टोर की वो वहाँ पे शो हो जाएगी। आप उसमें से अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडीज हैं तो आप उसमें से किसी भी आईडी पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप आगे जाओगे तो डन का ऑप्शन मिलेगा इसी पेज के एंड पे, तो वहाँ पे आप इसे डन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। अभी आपके पास यह स्क्रीन शो होगी, आप यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास ये ऑप्शन शो होगा, अलाउ अडोब स्कैन टू टेक फोटोज एंड रिकॉर्ड वीडियोज। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अभी आपका अडोब स्कैन है जो वो पेज स्कैन करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप जो भी पेज स्कैन करना है आपको, अगर आप ये पेज एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर अपलोड करने के लिए स्कैन कर रहे हो तो आपको पेज पे सब्जेक्ट नेम, फादर्स नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड एडमिशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको फुल पेज की यहाँ पे फोटो लेनी है। फुल पेज की फ़ोटो लोगे, जो ये चार डॉट्स देख रहे हो ये आपकी स्क्रीन पे ऐसे पूरे पेज को कवर कर लेंगे और ऑटोमेटिकली पेज को कवर करके वो आसपास का एरिया रिमूव कर देंगे। अगर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे आपने हाफ पेज लेना है तो आप हाफ पेज ऐसे करके हाफ पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो इसे ऊपर नीचे करके। मैंने फुल पेज सिलेक्ट किया है। फुल पेज सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पे आप देख रहे हो कि नीचे राइट कॉर्नर पे वन नंबर आ रहा है, मींस हमने वन पेज स्कैन कर लिया है। उसके बाद अगर आपने उसी फाइल में एक और पेज ऐड करना है, अगर एक ही पेज ऐड करोगे तो वो एक ही पेज की पीडीएफ बनेगी। अगर आपने और पेज ऐड करना है तो एक और पेज आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। ये मैंने स्कैन कर लिया है सेकंड पेज, इसे भी आप जैसे आप देख रहे हो कि इसने पूरा पेज कवर कर लिया है और आसपास का एरिया रिमूव कर दिया है। अगर आप इसे भी एडजस्ट करना चाहते हो तो आप एडजस्ट करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे एक पेज आ रहा था वहाँ पे आप दो नंबर शो कर रहा है, मीन्स दो पेज आपके स्कैन हो चुके हैं। अभी आप उसी सेक्शन पे क्लिक करोगे जहाँ पे दो नंबर
जहाँ पे आपके पेजेस शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी, आपको कलर ऑप्शन पे जाना है। कलर ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आप ओरिजिनल पेज रखना चाहते हो तो ओरिजिनल पेज पे क्लिक करोगे, ओरिजिनल कलर पे, तो ये ओरिजिनल कलर हो जाएगा पेज का जो हमने स्कैन किया था। उसके बाद आप अगर यही कलर सभी पेजेस के लिए चूज करना चाहते हो तो आप अप्लाई टू ऑल पेजेस का इसके नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर देना तो सभी पेजेस के लिए आपके पास ये कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो आप ऊपर अडोब स्कैन सितंबर 13, 2020 ये देख रहे हो, वहां पे आपके पास एक पेंसिल साइन शो हो रहा है, वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप उसे रीनेम कर सकते हो। इस नेम को रिमूव करके, इस पूरे नेम को रिमूव करके यहाँ पे आप अपना नेम और उस फाइल का नेम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश, और क्वेश्चन 3 का आंसर दे रहे हो आप तो क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने इंग्लिश क्वेश्चन 3 इसका नेम रख दिया है, फिल कर दिया है। फिर आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सेव पीडीएफ पे जाओगे। सेव पीडीएफ का ऑप्शन आपको टॉप राइट कॉर्नर पे शो होगा, उसी टॉप राइट कॉर्नर पे सेव पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो स्कैन हो जाएगा आपका, वो आपके फोन पे डायरेक्टली शो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक और ऑप्शन यूज करना है, यहाँ पे मोर में जाना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, शेयर, एक्रोबैट, कमेंट एंड मोर। मोर पे जाना है आपको। मोर पे जाने के बाद आपको कॉपी टू डिवाइस ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको अलाउ, डिनाई और अलाउ दो ऑप्शन आएंगे, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख रहे हो नीचे स्क्रीन पे मैसेज आ गया, कॉपी टू योर डिवाइस। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जाओगे, अपने फोन में, फोन मेमोरी के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, यहाँ पे आपको एक अडोब स्कैन का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपकी जो पीडीएफ आपने बनाई है, अभी आप देख रहे हो जो हमने पीडीएफ का नेम रखा था इंग्लिश क्वेश्चन 3, वो पीडीएफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस पीडीएफ को आपने बाद में अपने ब्राउजर में से अपलोड के ऑप्शन पे जाके यहाँ से उठा के अपलोड कर देना। अडोब स्कैन में डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसी और इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें।